Good evening guys, Bopal Devi here and welcome back to my channel. Thank you for tuning in. So today we are going to learn one of the most iconic power moves in cardistry or in magic, that is the card spring. The card spring मतलब आज हम लोग सिर्फ card spring के ऊपर ही नहीं बट तीन अलग अलग तरीकों के बारे में भी बात करेंगे. How to spin a card spring in different ways. Something for the intermediate, something for the beginner, something for the advanced magicians or cardists out there. Okay? So actually मतलब क्या था कि इस वीडियो के ऊपर मैंने बहुत सोचा बिकॉज YouTube में ढेर सारे हैं, हज़ारों वीडियो होंगे card spring के ऊपर. Card spring तो ऐसा एक चीज़ है मतलब जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक यू वॉन्ट अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ हाउ card spring एक्चुअली works. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू शुड हैव cards ऑल ओवर द फ्लोर. ठीक है, पूरा फैलाए होंगे. कार्ड स्प्रिंग इतना आइकॉनिक क्यों है? बिकॉज मूवी वगैरह में या फिर मूवी ऐसा कोई मैजिक मूवी या फिर कहीं भी कैसीनो का अगर सीन होने वाला है, कैसीनो का सीन होता है जहाँ पे वहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई भी बंदा अगर करके आता है कार्ड स्प्रिंग करके देन इट लुक्स गुड राइट. अनदर रीजन इज बिकॉज मतलब क्या होता है, इट्स अ मैसिव बिग थिंग जो मतलब अट्रैक्ट्स दी आई एंड ऑल्सो इट्स लाउड, काइंड ऑफ लाउड. सो एंड साइकोलॉजिकली ऑल्सो अगर कहीं पर परफॉर्म करने से पहले अगर आप ऐसे करके जाते हो मतलब कार्ड स्प्रिंग करके फर फर करके देन इट सेट्स एन इंप्रेशन टू द स्पेक्टेटर्स. मतलब उसके ऊपर एक इंप्रेशन सेट हो जाता है कि ये बंदा जो है अपने कार्ड मैनिपुलेशन में काफ़ी ठीक है. सो लेट्स सी दैट साइकोलॉजी. सबकॉन्शियसली होता ही है सब, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होगा बट that's how psychology works. And casting also is casting is also like a peacock move. मतलब जैसे जो male peacock होते हैं, जैसे अपना they you know show their colorful feathers tail to attract the female. तो उसी तरह से अगर magicians अगर बहुत सारे magicians अगर एक ही जगह पर रहेंगे तो बस यही सुनने को मिलेगा इस टाइप का. सो विदाउट फर्दर एडू let's learn how to spin some cards. Okay, so for this video I'm going to use these bad boys, bicycle stargazer. This was ये मेरी लाइफ की पहली bicycle company से ली गई हुई पहली deck यही है. So I love this deck, it's very beautiful देखने में, right? So but anyway, so for this tutorial आप लोगों को बस एक ताश की गद्दी चाहिए and then पेपर के हो तो फिर ज़्यादा अच्छे होंगे, मतलब प्रिफरेबल है पेपर के. बिकॉज अगर प्लास्टिक के होंगे तो फिर क्या होगा कि इट इज़ गोइंग टू हर्ट योर फिंगर्स. सो डोंट हर्ट योर सेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट. पहली बात क्या है कि द वन दैट आई एम कम्फर्टेबल विथ आई एम गोइंग टू शो यू दैट फर्स्ट. ओके, सो पहला है मैं क्या करता हूँ कि मेरा वाला ये है ऐसा. आई डू इन दिस वे, दिस इज माई कम्फर्टेबल द मोस्ट कम्फर्टेबल वन. मैं इसे स्टार्ट करता हूँ हमेशा. सो ये जो इसको करना कैसे, देखिए योर टेक योर रिंग फिंगर. आपका जो ये रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर का जो ये जॉइंट का ये जो है ना पहला जॉइंट ऊपर से जो पहला जॉइंट आता है, ये जॉइंट को यहाँ पे कोने पे देखा जा रहा है, ये कोने पे ऐसा लगा के रखना है पहला वाला. और जो ये थंब है, थंब को इस वाले कोने में, दोनों को मतलब ये दिखाई जा रहा है, ये जो आपको दिखाई जा रहा है ये सब, ये जो दोनों तरफ उस तरफ रखना है इफ़ यू आर राइट हैंडेड. अगर लेफ्ट हैंडेड है तो जस्ट ऑपोजिट होगा सब. सो पहला ये और ये, ठीक है ऐसा, यहाँ से ये वाला पहला और दूसरा ये. तो आपको करना क्या है कि आपको प्रेशर देना है, इस टू बैंड इट इनवर्स, अंदर की तरफ इसको बैंड करना है. ठीक है, ऐसे नहीं, काफ़ी लोग ऐसे करते हैं पहले में, ऐसे नहीं बाहर की तरफ नहीं, इसको अंदर की तरफ. ठीक है, अंदर की तरफ. और आपको करना है क्या कि पहले आपको थंब से पहले छोड़ना है उसके बाद उंगलियों से दिखाई दे रहा है. ये देखिए पहले जो है मेरा थंब से आ रहा है, ठीक है, और मेरा हाथ अभी ऐसे काम कर रहे हैं, ये जो ऐसा प्रेशर देके ऐसा
काइंड ऑफ दिस मोशन. स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपका ऐसा होने वाला है तुम लोगों का, इस टाइप का, कुछ इस तरह टाइप का, या तो फिर ऐसा गिरने वाला है, जैसे मतलब ये जो गिर रहा है ऐसा ऐसा. लेकिन बट डोंट बी डिस्करेज, ये होता ही है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में. और फॉर ट्रेनिंग पर्पस ट्रेन हियर, यहाँ पे ये वाला भी बस यहाँ पे ऐसे छोड़ के देखो, बिकॉज योर मसल्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल ए कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर फॉर ऑल द कार्ड्स. ठीक है, सो ट्रेनिंग के लिए अभी फॉर द प्रैक्टिस डू इट हियर. दिस इज अ वेरी नाइस ट्रेनिंग प्लेस, ये जगह पे. ठीक है, डोंट स्टार्ट विद दिस, यहाँ से स्टार्ट मत करो, नहीं तो बस खत्म. हर जगह पे कार्स ही कार्स होंगे, उसके बाद उठाते रहो बस. ये सबसे अच्छी जगह है. और अगर बाय एनी चांस इफ यू आर टू एम्बिशियस, अगर मतलब आपको यही करना है, देन डू वन थिंग. अगर कारपेट होगा नीचे देन इट्स गुड, या तो फिर बेड के ऊपर करो, या तो फिर कुशन के ऊपर, सोफा के ऊपर, किसी के ऊपर करो. तब क्या होगा कि उठाने में इतनी तकलीफ नहीं होगी. नहीं तो अगर फ्लोर पे गिर जाएगा तो फिर क्या होगा कि कार्ड्स गंदे हो सकते हैं, धूल वूल लग सकते हैं, तो इट वॉन्ट वर्क द वे इट्स सपोज टू वर्क. सो दैट्स वाई टीवी देखते हुए कुशन सोफा के ऊपर ऐसा करके देख मार कर सकते हो, कोई बात नहीं. और पकड़ने का वो अलग ही है. उसका क्या, ऐसा हाथों को ऐसा करना है बस, मतलब ये जो चमक छलो टाइप का जो है ऐसा करना है. ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये जो पिंकी फिंगर है जो है, जो ये लिटिल फिंगर है मेरा, ये एक स्टैंड ऐसा होता है, ऐसा ऐसा गिरेगा कार्स हाथ के ऊपर. ये आगे वाले को रोकता है, ये नीचे वाले को रोकता है. और ये थम्स हाथों को ऐसा फैला के करना, फैला के. ठीक है, इसको ये देखिए हाथों में आता है ये, हाँ ऐसा पकड़ना है, ऐसा इस टाइप का. ठीक है, इस है. तब क्या होगा कि इस काइंड ऑफ ए स्टैंड, समझ में आ रहा है, स्टैंड. अगर कार्स अगर गिरेंगे तो ऐसे यहाँ पे गिरेंगे, ये होंगे. ठीक है, तो दैट्स योर कैचिंग हैंड, हाथों को ऐसा, और यहाँ पे इट विल स्टे लाइक ए स्टैंड. ठीक है, सो दूसरा जो तरीका है, दैट्स फॉर द बिगिनर्स काइंड ऑफ, नॉट फॉर द बिगिनर्स. स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले वही सीखा था, उसके बाद मैंने इस थंब वाला से करना शुरू किया था. पहले मैं कैसे करता था ना, स्टार्टिंग में सेम टेक्निक, ये जो है डेक के ऊपर तीन उंगलियों को रखना है, दिस थ्री फिंगर्स ऑन टॉप ऑफ द डेक. ठीक है, और ये जो थंब है, थंब कोने में या फिर मिडल में, कहीं भी, सब टू यू, आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लगे. ठीक है, और इसको बस थंब से नहीं बल्कि उंगलियों से छोड़ना है ऐसा. मुझे अच्छा नहीं लगता ये करके, बिकॉज मतलब यू हैव टू यू नो यू ज़्यादा लंबा नहीं आ सकता इससे, मुझे अच्छा नहीं लगता ये करके. बट इट्स फॉर स्टार्टिंग यू कैन डू दिस, बिकॉज यू विल हैव मोर कंट्रोल ओवर योर हैंड्स, बिकॉज इंस्टेड ऑफ वन फिंगर इट विल बी थ्री फिंगर्स, यू नो. सो यू कैन स्टार्ट विद दिस ऑल्सो, लाइक दिस. हाँ, एंड थर्ड वन इज लाइक सेम लाइक द फर्स्ट वन, हाथों कार्ड्स को थंब से छोड़ना है बिफोर लिविंग विथ योर फिंगर्स. द कैच इज दैट ये जो है ना, ये जो आपका लिटिल फिंगर को साइड में लगा के रखना है यहाँ पे. तब क्या होगा, कार्ड्स ऐसे गिरने के अलावा कार्ड्स ऐसे गिरेंगे, मतलब थोड़ा सा अभी ऐसे नहीं गिर रहे, अभी ऐसे गिर रहे हैं. और इस अप टू यू. और एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, डोंट गो फॉर दिस एट द स्टार्टिंग. ठीक है, ये अभी नहीं आएगा, इट विल कम ओवर द टाइम ऑफ, मतलब प्रैक्टिस कर करके आ ही जाएगा एक टाइम. तो पहले अभी स्टार्टिंग यहाँ पे करो, ये ओवर द टाइम आ जाएगा बस. कास्टिंग इज नॉट दैट टफ, इट्स काइंड ऑफ ईजी. अगर जब कर करके अगर समझ में आ गया मैकेनिक्स कि कैसे, इफ़ यू डेवलप दैट मसल इनफ,
देन डेफिनेटली. और ये बड़ा वाला अगर करना है, ये भी सेम ही है. मैं जो करता हूँ बस सेम ही है, पर क्या है कि पहले यहाँ पे छोड़ के थोड़ा इस हाथ को यहाँ तक थोड़ा सा लेके आता हूँ, उसके बाद ये वाला हाथ जाता है. पहले ऐसा ऐसा समझ लो, देखे यहाँ से ऐसा आएगा पहले, उसके बाद ऐसा बात, तो उसी तरह से होगा ऐसा. और ये आते रहेगा, मतलब दिस विल कम, द स्पीड, द एक्यूरेसी और जो लैंडिंग है, ये सब धीरे 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 करके आते रहेंगे आफ्टर सम वीक्स. मे बी अगर देखा जाए तो आफ्टर सम वीक्स यू विल एबल टू डू दिस. ओके, सो देयर यू गो गाइस, दैट वाज इट. That was three different ways on how you can spin some cards. So yeah, if you guys enjoyed, then please do like the video and subscribe if you can, and don't forget to turn the notification bell on. Okay? Because ये जो video है ये air होने वाला है Friday को. Okay? And so Wednesday को मैं एक tutorial के साथ आ रहा हूँ, like one of the magic trick tutorial. Okay? And that was the first trick that I have. I learned, that was the first trick. So agar aap log, if you guys are starting right now in magic, then this is a very smooth beginning, you can say. Huh? So this is very good. Kisi ko bhi agar aap dikhate ho ye trick, then definitely it will blow their mind. So stay tuned for that and don't forget to press the notification bell. Agar dabaoge nahi to fir you will miss the tutorial. That was it. So guys, see you on the next video. Suli khilo bahut disturb. Okay, so do comment down below. Comment kar dena kaisa laga ye video. Agar kuch galti bhi hota hai to fir please point me out, because it will help me. Is tarah se main apne video ko behtar karne ki koshish karte rahunga. So do comment down below and that's it. So take care. See you on the next video. Bye bye. Peace out.